ये देखो भाई दानेदार, ऐसी क्वालिटी अगर मुस्तफाबाद में कहीं और मिल जाए, दयालपुर 33 फुटा सहजान भाई के घर के पास में अब्दुल सत्तार लड्डू वालों के यहाँ पे मिलेगा सिर्फ। भाई हो गया, कैमरे से दिखाई भी ना दे लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ भाई, आगे लेके जाओ भाई, पहले चेक करो। बिल्कुल तो मेरा आया बहुत देर हो गई, फार्म भर दे। अच्छा दुकान से सस्ते और दुकान से अच्छे मिलते हैं, ठीक है अच्छे में लगे वापस ले लूंगा भाई, यहीं बैठा हूँ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shahzan Vlogmaker। तो भाई आज है चांद रात, तो पहले चलते हैं, मैं अभी असर की नमाज़ पढ़ के आऊँ। असर की नमाज़ पढ़ के आके अब्दुल ने बोला मेरे से कि वो लेकर आ लड्डू, आज कुरान पूरा होगा सबका, तो घर में कुरान पखवाने के लिए लड्डू लेके आने। तो पैसे चलते हैं शाही लड्डू के बाद, अपना जो है शाही लड्डू के पास चलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं लड्डू। चलो फिर तो भाई चलते हैं अब शाही लड्डू की दुकान पर, मतलब उसके गोदाम पे, सॉरी पीछे गली में ही, हमारी गली के बाहर में चलते हैं। फिर आओ देख लो भाई कितनी सारी दूध की वो लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। कल हमारे यहाँ बहुत खीर वीर बनेगी ना, शीर वीर बनेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दूध चाहिए होता है, तो सब ने अपने दुकान वालों ने मंगा के रख रखा है दूध का पेटी वेटी। तो अब चलते पहले उसके। तो भाई आ गए अपने साहिल भाई के गोदाम पे, रे साहिल भाई ने अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहिल भाई? मेरा भाई हाँ भाई, सुभान भाई क्या हाल है? बढ़िया, खैरियत से सब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। साहिल भाई दो अपने बिजी लग रहे काम में, आपका टाइम है इनका, बहुत ज्यादा सीजन का। सुभान भाई से मिल लेते हैं अपने, सुभान भाई हमारे ये रहे। सुभान भाई हाँ भाई, मैं यूँ कह रहा हूँ फोन दिखाना कवर है कवर ना ही लो, लेमिनेशन लेमिनेशन कहाँ से कराई? ये तो बढ़िया लग रही है यार, कार्टून वाली कहाँ से? अबे जल्दी बोल कहाँ से? अबे बोलो तो सही, तिरपाल फैक्ट्री। अच्छा अच्छा अपने तिरपाल फैक्ट्री, कितने रुपए की? 100 रुपए की टेपिंग लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है फोन के ऊपर कवर चढ़ा रखा है। सारी बात देखो लोंडिया छप रही है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आ मेरी जान, फुल लुक बने गाइस से, ईद वाले में आपको पूरा मुस्तफाबाद में इतनी सस्ती। अच्छा भाई छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मेरा भाई ये तो बताओ ये है क्या चीज? ये भाई मिल्क केक। मिल्क केक हमारे पास में, मिल्क केक कलाकंद परमानेंट मिलेगा, लाल लड्डू पीले लड्डू। अच्छा 24 घंटे वो तो हमें पता है, गुलाब जामुन ऑर्डर में मिल जाएगा, वो तो हमारी ऑडियंस को बताओ, हमें तो पता है मेरा भाई अपना प्रचार कर रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल मेरा भाई, अच्छी बात है भाई। इतना प्योर दूध का भैंस कुदाती अपने हाथों से दूध निकाली जाती है, देख रहे हो मेरा भाई? बिल्कुल भाई, ये देखो भाई दानेदार, ऐसी क्वालिटी अगर मुस्तफाबाद में कहीं और मिल जाए, दयालपुर 33 फुटा सहजान भाई के घर के पास में अब्दुल सत्तार लड्डू वालों के यहाँ पे मिलेगा सिर्फ। तो मेरा भाई काम करना छोड़ देंगे थे। बिल्कुल भाई है नहीं है, क्योंकि भाई इस रेट में ये क्वालिटी अगर मिल जाए भाई, काम ही ऐसा आपने भाई, काम ही ऐसा 10-12 साल से काम कर रहा है, एकदम प्योर एकदम चीज मिल रही है भाई। बिल्कुल खा के ले जाओ भाई, खा के लेके जाओ भाई, पहले चेक करो करनी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल इस्तेमाल। तो मेरा भाई बहुत देर हो गई, फार्म भरते भरते हमें लड्डू दे दो, हमें लड्डू मिलेंगे बाद में। क्यों मेरा भाई? बस आपसे मोहब्बत है। मैं ये तो बताओ कोई बात है तुम्हारी, क्यों जी मोहब्बत नहीं कर सकते? मोहब्बत तो कर सकते, लेकिन लड़की मोहब्बत करना जानती है? कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो? दिल की मोहब्बत की बात कर रहे हो भाई? मोहब्बत की तो बात कर रहे हो, ये बताओ तुम लड्डू दे रहे हो? नहीं मतलब घर जाके सुना देंगे खाली। तो भाई आपको मिल जाएंगे, वैसे हमारे पास में पीले लड्डू 120 है, अच्छे आपको 110 दे देंगे, और आपके थ्रू अगर कोई आता तो उसको 110 रुपए किलो लड्डू लगेगा। देख लो भाई अपना फायदा, देख रहे हो अपने बन का फायदा हो रहा फुल फुल। किसी को चाहिए वो लड्डू आज के अभी बता दो, बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल है भाई, कभी भी आ जाओ, बिल्कुल गोदाम है, बिल्कुल अपना घर है भाई, बोनस मिलेगा होटल। चलो जल्दी से लड्डू दे दो, चलते घर पे। लड्डू तोल भाई लड़के, लड्डू तोलो भाई। तो यही है साहिल भाई अपने लड्डू, यही पीले वाले लड्डू, देसी घी वाले, दुकान से सस्ते। अच्छा दुकान से सस्ते और दुकान से अच्छे लड्डू, ठीक है अच्छे में लगे वापस ले लूंगा भाई, यही बैठा हूँ। लो भाई लो, गारंटी भी दे रहा, अच्छे ना लगे तो वापस ले लेंगे भाई, होगा भाई। लो भाई लो, हो गए 1 किलो ही हुए पूरे सारे खत्म हो गए। बिल्कुल साहिल भाई चलते हैं फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। सलाम वालेकुम, ठीक है भाई बस दुआ में याद रखना, ठीक है भाई मिलते हैं फिर। चलो भाई चलते हैं घर पर, घर पर चल के मिलते हैं। अब पहले बख्शेंगे कुरान, फिर उसके बाद इन्हें बांटने भी है मुझे, फिर चलते हैं घर पर। आओ
भाई हो गया इफ्तार, चलते हैं हम नमाज पढ़ने के लिए, ऊपर चलेंगे छत पे फिर देखते हैं इंशाल्लाह चांद दिखेगा, चांद रात है, चलो फिर मिलते हैं। भाई ऊपर आए नमाज पढ़ के, अब नमाज पढ़ के आए चांद देखने के लिए, छत पे हो रहा चांद बहुत बारीक दिख रहा है, 29 सा चांद जो होता है ना बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा हो रहा, देखो बिल्कुल सामने, शायद कैमरे से दिखाई भी ना दे लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सामने की तरफ बहुत ज्यादा बारीक है एकदम। लेकिन आप सबको चांद बहुत मुबारक हो ईद का, चलते हैं घर के लिए, बहुत सारे काम करेंगे। भाई देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, चांद रात की रात है आज, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई, देखो पीछे पीछे ही साइड बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, चलते हैं सामान लेना, सब चलते हैं घर के लिए। देख रो कितनी भीड़ हो रखी थी, बहुत बेहिसाब भीड़ हो रखी है, चांद रात के दिन पैर रखने की एक जगह नहीं है, चल रहे हैं घर के लिए, घर चलो घर चल के मिलते हैं। बोलोगे यहाँ पर खाली पड़ा तो भाई देख रहे थे वहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, बेहिसाब रात के 2 बज रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है बेहिसाब ज्यादा, भाई बस बता नहीं सकते, पैर रखने की भी जगह नहीं है, अब चलते हैं घर पे, घर पे चल के सामान लेना जो सामान लेके आ, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपने ईद का चांद देखा नहीं देखा, और मिलते हैं ईद के नए व्लॉग में, अभी के लिए बाय।